बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन लिटरेचर। फिक्शन लिटरेचर और नॉन फिक्शन लिटरेचर क्या है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ फिक्शन लिटरेचर भी देखेंगे और 4 R S ऑफ लिटरेचर्स को भी देखेंगे। 4 R S ऑफ लिटरेचर से मुराद है 4 Reasons ऑफ लिटरेचर। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द 4 R S ऑफ लिटरेचर, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो का जो PDF मैं यूज़ करूँगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की सूरत में मौजूद होगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे जो कि www.BSELN.com है, और यहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर अब तक जितने भी नोट्स मैं अपनी जितनी भी वीडियो में यूज़ कर चुकी हूँ वो इस वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ लिटरेचर? लिटरेचर इज़ द आर्ट ऑफ स्पोकन वर्क और स्पेसिफिक लैंग्वेज पीरियड विच इज़ पब्लिश्ड राइटिंग इन अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विद द यूज़ ऑफ एनी लैंग्वेज विच कैन बी रिटन और स्पोकन। लिटरेचर एक ऐसी लिटरेचर उसको कहते हैं कि जो कि आर्ट हो, लिखा हुआ हो, चाहे वो स्पोकन भी हो सकता है, और इसके साथ साथ वो किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में होता है, किसी भी स्पेसिफिक एरा के करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आज का राइटर होगा वो आज के ही टॉपिक्स पे लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल टेक्नोलॉजी या मोबाइल वगैरह को यूज़ करेगा, जो कि 14th सेंचुरी में लोगों ने लिटरेचर लिखा, ऑब्वियसली उन्हें पता भी नहीं था कि मोबाइल क्या होता है। इसके अलावा वो पब्लिश्ड होगा एक पर्टिकुलर ऑथर के नेम से कि ये इसने पब्लिश कराया है, ऑथराइज होगा वो वर्क। उसके अलावा वो किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल, जो कि राइटर का स्टाइल होगा ऑब्वियसली, उसमें होगा, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकता है, और वो रिटन स्पोकन भी हो सकता है। लिटरेचर के अंदर और तरह के आर्ट भी आ सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, थिएटर, फिल्म, ये सब कुछ इसके अंदर आ सकते हैं। लिटरेचर की 4 बेसिक टाइप्स हैं, जिसके अंदर फिक्शन और नॉन फिक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ड्रामा और पोएट्री भी लिटरेचर की ही टाइप है, लेकिन आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले फिक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ फिक्शन? फिक्शन कहते हैं उर्दू में अफसाना को, अफसाने को फिक्शन कहते हैं। जो ये वर्ड फिक्शन है ये लेटिन वर्ड से आया है। लेटिन वर्ड था फिक्टस, और फिर वो फिक्शन हो गया, और जब वो फिक्शन हो गया उसके बाद इसका मतलब जो उस वक्त था लेटिन के अंदर वो था टू फॉर्म और टू कॉन्ट्राइव। कॉन्ट्राइव का मतलब भी होता है किसी चीज़ को इमर्ज करना, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ की इंजीनियरिंग करना। फिर फिक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फिक्शन इज़ अ नरेटिव फॉर्म ऑफ इवेंट, प्लेस एंड पीपल दैट आर इमेजिनरी, नॉट बेस्ड अपॉन रियलिटी और फैक्ट्स। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ डेलिबरेट लाई। फिक्शन का मतलब होता है कि ऐसी अफसाना निगारी, ऐसी तहरीर करना, ऐसा बयानिया देना जिसके अंदर किसी भी इवेंट को डिस्कस किया हुआ हो, किसी भी प्लेस को, किसी भी लोगों को डिस्कस किया हुआ हो, वो इमेजिनरी हो ज़्यादातर। ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी पे बेस ना हो, वो रियलिटी पे भी थोड़ा सा बेस हो सकता है, उसके अंदर रियलिटी की से ही आइडिया हमें मिलता है फिक्शन का, लेकिन वो खासी हद तक झूठ या तखयल या ख्याल होता है राइटर का। ये ऐसी लिटरेचर की फॉर्म है जो प्रोज राइटिंग में लिखी जाती है, यानी कि इसके अंदर राइमिंग स्कीम या मीटर को ज़रूरी नहीं है कि फॉलो किया जाए। इसके अलावा ज़्यादातर अफसाना या फिक्शनस लिटरेचर नॉवल होते हैं जिनके अंदर इमेजिनरी पीपल और इमेजिनरी इवेंट्स को डिस्कस किया जाता है। अगर हम लिटरेचर की डेफिनेशन लें कि व्हाट इज़ फिक्शनस लिटरेचर, सो इट इज़ अ प्रोज वर्क ऑफ इमेजिनेटिव इमेजिनेशन इन अ नैरेटिव फॉर्म, अ स्टोरी, अ नॉवल, अ फेबल, अ वर्स इन फिक्शन इन ईजियर फॉर्म, एनी लिटरेरी प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, वेदर इट इज़ इन प्रोज और वर्स और इन अ ड्रामेटिक फॉर्म और नैरेटिव फॉर्म, बट इट इज़ कॉल्ड फिक्शन। अगर इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव क्वालिटी राइटर अपने वर्क के अंदर डालता है, यानी कि ख्याल, उसका तखयल डालता है, तो वो फिक्शन के अंदर आ जाती है। वो ड्रामेटिक भी हो सकती है, वो नैरेटिव भी हो सकती है, वो प्रोज भी हो सकती है, और फिक्शन भी हो सकती है। फिक्शन जो होता है वो फिक्शियस लिटरेचर होता है। फिक्शन से मुराद ये है कि ख्याल किया हुआ, इमेजिन किया हुआ लिटरेचर होता है। इसके अंदर ज़्यादातर फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि ज़्यादा एग्जिजरेट किया हुआ होता है हीरो को, हीरोइन को, उनकी स्टोरी को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैब्रिकेटेड थिंग एंड प्रिटेंडेड स्टोरी। कवर चढ़ाया हुआ होता है, लिबादा किसी और चीज़ का ओढ़ा हुआ होता है, और एक
एक सोची समझी सी स्टोरी लगती है जिसके अंदर फेथ का रोल दिखाया जाता है, जिसके अंदर मैजिक का रोल दिखाया जा सकता है, हीरो हीरोइन की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जा सकती हैं, और बहुत ही कोई भी रोमांस की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जा सकती हैं, कुछ भी। स्टीफन किंग ने एक दफ़ा कहा था कि फिक्शन इज़ द ट्रूथ इनसाइड अ लाई। अब फिक्शन के दो वर्क हैं जो हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा वैसे भी इनके ऊपर अलहदा वीडियो भी बनाई जाएगी, वो है टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड अ पैसेज टू इंडिया बाय ईएम फॉस्टर। ये दोनों प्रोज के अंदर लिखे गए हैं और ये फिक्शियस वर्क हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भी, और वैसे भी इनकी अलहदा वीडियोज भी अपलोड की जाएंगी। टाइप्स ऑफ फिक्शन क्या है? देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ फिक्शन। रियलिस्टिक फिक्शन। रियलिस्टिक फिक्शन में क्या होता है कि प्लॉट होता है, करेक्टर होता है, सेटिंग होता है, और उसके अंदर ये होता है कि जो प्रॉब्लम होता है वो रियल लाइफ से लिया होता है। फॉर एग्जांपल टू द लाइट हाउस के अंदर जो करेक्टर्स दिखाए जाते हैं, मिस्टर मिसेस रामसे की फैमिली, उनके अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं वो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या होता है कि मिस्टर रामसे की जो करेक्टर दिखाया है कि वो जितना ज़्यादा एक आर्टिफिशियल सा करेक्टर होता है, मिस्टर राम मिसिज रामजी का जो लव होता है मिस्टर रामजे के लिए, वो जो है वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि उन्हें प्यार तो है लेकिन वो उसका एक्सप्रेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है। तो ये प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड का है लेकिन स्टिल वो एक नॉवल, फिक्शियस नॉवल है। इसके अलावा हिस्टोरिकल फिक्शन, जिसके अंदर हिस्ट्री का जिक्र किया गया हो, पास्ट का, अगर वर्ल्ड वॉर के बारे में कोई भी नॉवल लिखा जाता है तो वो हिस्ट्री के अंदर आता है क्योंकि पास्ट का इवेंट डिस्कस किया गया होता है। इसमें प्लॉट और सेटिंग इस तरह होती हैं कि जो पास्ट को या पास्ट की सेटिंग को इंडिकेट करती हैं। फैंटेसी के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि इमेजिनेटिव ड्रीम लाइक वर्ल्ड हो गया, फॉर एग्जांपल कैंडी लैंड हो गया, फॉर एग्जांपल गेम के अंदर कोई भी चला गया ह्यूमन बीइंग, या बहुत बोनो की दुनिया या क्रिसमस के ऊपर जितनी भी मूवीज़ बनी हुई होती हैं वो सब ड्रीम लाइक वर्ल्ड्स होते हैं और ये फैंटेसी मूवीज़ होते हैं। मैजिकल पावर, जैसे कि मूवीज़ आती हैं, फ्रोजन की मूवीज़ आई हुई हैं मैजिकल पावर के साथ, एलियन आर नोन, एलियंस के बारे में जितनी भी स्टार वॉर्स वगैरह ये हैं, ये सारी फैंटेसी के अंदर आती हैं। साइंस फिक्शन वगैरह क्या है? साइंस फिक्शन के अंदर साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट दिखाई जाती है, जिसके अंदर पोर्ट्रेट ऑफ स्पेस एंड अदर प्लैनेट्स होते हैं, ये साइंस फिक्शन के अंदर आता है। अब डिस्कस करते हैं कि नॉन फिक्शन क्या है। नॉन फिक्शन एक ऐसी राइटिंग है जो फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है, ये फिक्शनल बिल्कुल नहीं होती और ये फैब्रिकेटेड भी नहीं होती। इसके अंदर फैक्चुअल राइटिंग होती है, यानी कि रियल बातें, रियल फैक्ट्स, लॉजिक्स और रीज़न के साथ जो राइटिंग की जाती है वो आती है नॉन फिक्शन के अंदर। इट इज़ नॉट इमेजिनेटिव, रैदर रिप्रेजेंट ट्रूथ एंड एक्यूरेसी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव इवेंट्स ऑफ पीपल। ये इमेजिनेटिव नहीं होता बल्कि ये असल होने वाले वाकये या असल होने वाले लोगों की कहानियों को बयान करता है। इसके अंदर ट्रूथ और एक्यूरेसी का ख्याल रखा जाता है। जो नॉन फिक्शन होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वो कभी कभी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता, कभी कभी सब्जेक्टिव टाइप होता है, लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है क्योंकि उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करना होता है, और ये किसी भी कहानी से भी लिया जा सकता है। जो नॉन फिक्शन होता है उसके अंदर ज़्यादातर उसकी टाइप्स हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑन साइंस, बिजनेस, ट्रैवल, रिलीजन, लैंग्वेज, हेल्थ, कुकिंग, क्राइम, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, क्राफ्ट, होम, डेकोरेशन, कुछ भी, ये सब नॉन फिक्शन राइटिंग के अंदर आता है, ये नॉन फिक्शन लिटरेचर के अंदर आता है। इनके अंदर भी आर्ट यूज़ होता है, कुकिंग की बारे में लिखना या डेकोरेटिव के बारे में, डेकोरेशन के बारे में किताब लिखना एक आर्ट है, लेकिन इसके अंदर कोई भी महासराई नहीं की गई होती, इसके अंदर फैक्ट्स के ऊपर बात की गई होती है। नॉन फिक्शन वर्क जो हम इस वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे, और इसके अलावा इनकी अलहदा वीडियोज़ भी अपलोड होंगी, वो नॉन फिक्शन वर्क्स हैं चेरिश द मैंस करेज बाय एडवर्ड सेड, द पाथ फ्रॉम द मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम बाय रेनॉल्ड्स ए निकल्सन, व्हाट इज सूफीज्म बाय कार्ल डब्ल्यू अर्न्स। तो ये भी हम इस वीडियो में और इसके अलावा इनकी सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे। अब फिक्शन के अंदर, फिक्शन लिटरेचर हो तो उसके अंदर क्या क्या होगा? उसके अंदर सबसे पहले तो वो इमेजिनेटिव होगा, नॉन फैक्चुअल चीज़ होंगी, यानी कि फैक्ट्स और रियलिज्म से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसके अलावा साइंटिफिक, हिस्टोरिकल फिक्शन, फैंटेसी फिक्शन होगा, इसके अंदर मिस्ट्री, फेरी टेल्स वगैरह, नॉवल और मिथ्स भी आती हैं। अब नॉन फिक्शन लिटरेचर क्या होता है? रियल होता है, फैक्चुअल फैक्ट्स पर बेस होता है, ज़्यादातर बायोग्राफी को नॉन फिक्शनल में आती है, पोइट्री, पोइट्री भी नॉन फिक्शनल हो सकती है। उसके अलावा ड्रामा और
फोकलोर ये भी नॉन फिक्शन के अंदर आ जाते हैं। ड्रामास भी मोस्टली, जरूरी नहीं है कि तमाम ड्रामा नॉन फिक्शन हो, लेकिन फिक्शनल भी ड्रामा होते हैं। इसके अलावा आर फोर आर एस ऑफ लिटरेचर या फोर रीजंस ऑफ लिटरेचर, व्हाई रीजंस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ लिटरेचर, ए आर रिकग्निशन, रिडेम्पशन, रिविलिएशन एंड रिक्रिएशन। रिकग्निशन क्या होता है कि किसी ने अगर कोई वर्क, कोई पोइट्री, कोई नॉवल, कोई ड्रामा लिखा है तो सबसे पहले उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए और उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने के लिए लिटरेचर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है रिकग्निशन। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ये होता है, रिडेम्पशन कहा जाता है कि जो गुनाहों से पाक करने को। तो रिडेम्पशन इस तरह के आप दूसरों के हालात देख के, ड्रामा देख के, ड्रामे में एक करेक्टर देख के अगर आप उससे बहुत रिजेंबल करते हैं तो आप अपने अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स ख़त्म कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो गुनाह करते हैं, वो गुनाह जब करते हैं और आप उनको डॉक्टर फॉस्टर्स को देखते हैं कि वो शैतान को अपनी सोल उसने बेच दी होती है, तो आप उसका इबरतनाक अंजाम देखने के बाद आप गुनाहों से पाक रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं। रिवीलिएशन, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम पीरियड्स को रिवील करता है कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन जो होता है, रिक्रिएट रियलिटी, मेक इंटरेस्टिंग एंड डाइजेस्टेबल। फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट, कोई हादसा हुआ है, उसके ऊपर आपने कोई सार्केस्टिक या ह्यूमरस पोइम लिख दी है, तो ये रिक्रिएशन ऑफ दैट इवेंट हो गया और उसके अंदर आपने तंज और मज़ा भी डाल दिया। तो इसके साथ साथ वैसे एंग्लो सैक्सन्स की वर्ड्स वगैरह जो सेंडवेन स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, जब वो इंग्लिश में उनको रिक्रिएट किया गया, दोबारा उनको ट्रांसलेट किया गया, उनको भी रिक्रिएट किया गया, उनके आइडियाज़ दिए गए, और मोस्टली थीसिस में ये रिक्रिएशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था नॉन फिक्शन और फिक्शन लिटरेचर की वीडियो। इसके अलावा और भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल के ऊपर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड हर वीडियो अपलोड होती है। इसके अलावा जो नोट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बाकी तमाम नोट्स के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ फॉर द नेक्स्ट वीडियो।